ये जो इंडिया है ना, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है वहाँ के टैलेंट को। जी मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ। हमारा यहाँ पे जो कल्चर है फैशन का वो इतना नहीं है यहाँ पे अभी। इसको मैं ये देखती हूँ कि इंडिया ने बहुत स्ट्रगल की है, ठीक है, और इंडिया पिछले कई सालों से स्ट्रगल कर रहा है। 21 ईयर्स के बाद जाके जो है इंडिया को इस मकाम पे लाया गया है। एंड डेफिनेटली वी आर हैप्पी बिकॉज जो हमारी मुल्क के लिए, अपनी दुनिया के लिए होगा तो वी आर वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडिया एंड आई रियली लव फ्रॉम इंडिया फ्रॉम माई हार्ट। भारत की कोई भी अचीवमेंट हो और पाकिस्तानियों की जले ना, ये कैसे हो सकता है भाई? ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो हरना सिंधु ने भारत का नाम रोशन किया। 21 साल के बाद में भारत को एक मिस यूनिवर्स दोबारा मिली। आखिरी यूनिवर्स थी लारा दत्ता, उससे पहले थी अरे कहना क्या चाहते हो? सुष्मिता सेन। सही खेल गए बहन। कुछ पाकिस्तानियों ने भारत की अचीवमेंट पे बधाई दी है। क्या? तो पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखने को बनता है, क्योंकि जो जलन की बू आ रही है ना, बू वो महसूस कीजिएगा। आज के मेरे प्रोग्राम का सवाल ये है कि मिस यूनिवर्स 2021 की नॉमिनेशन हुई है, जिसमें हरना संधु को सेलेक्ट किया गया है, यानी कि उनको ये टाइटल दिया गया है मिस यूनिवर्स 2021 का। उनका ताल्लुक जो है इंडियन रीजन से, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको मैं ये देखती हूँ कि इंडिया ने बहुत स्ट्रगल की है, ठीक है, और इंडिया पिछले कई सालों से स्ट्रगल कर रहा है। 21 ईयर्स के बाद जाके जो है इंडिया को इस मकाम पे लाया गया है। चुप हो जा सातवीं फेल। और जिनकी आप नाम ले रही हैं कि जो मिस यूनिवर्स सेलेक्ट होती हैं, मिस हरनाज, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत एफर्ट्स किए हैं, और मुझे इंडिया इस मामले में बहुत आगे जाता नज़र आ रहा है। अब आए ना लाइन पे, क्योंकि पिछले कई सालों से वो बहुत एफर्ट्स कर रहा है और इसके पीछे उनकी ऑब्वियसली बहुत स्ट्रगल होगी, तभी जाके वो मिस यूनिवर्स बनी है। आई थिंक सो। इसमें ये भी है कि जो इंडिया है वो टैलेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, और ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया में आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा न्यू फेसेस आते हैं, यंगस्टर आते हैं, और आज आप देख सकते हैं वो कहाँ कहाँ किस किस मुकाम पे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द बिग अपॉर्चुनिटी फॉर हर एंड डेफिनेटली वी आर हैप्पी बिकॉज जो हमारी मुल्क के लिए, अपनी दुनिया के लिए होगा तो वी आर वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडिया एंड आई रियली लव फ्रॉम इंडिया फ्रॉम माई हार्ट। जी मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ। हमारा यहाँ पे जो कल्चर है फैशन का वो इतना नहीं है यहाँ पे अभी, ग्रूम्ड पॉलिश नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया इज़ वर्किंग वेरी गुड इन दिस डिपार्टमेंट, स्पेशली इन फैशन एंड इन एवरी वे। सो मैं भी चाहूँगी कि इंशाल्लाह हमारा भी पाकिस्तान का भी फैशन इस तरह प्रमोट हो, इस तरह उनका काम हो, ताकि सबको अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पे सबके लिए। ये जो इंडिया है ना, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है वहाँ के टैलेंट को, तो ये चाहिए कि पाकिस्तान में भी, मतलब चाहिए हमारी गवर्नमेंट को भी कि वो भी टैलेंट जो है, जिसमें जो जो टैलेंट है वो आगे लेके आएँ, वो भी इसको प्रमोट करें, ताकि फिर मतलब हमारी कंट्री भी उसके उसमें भी, ये जो पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट भरा हुआ है, मौका तो देके देखें, मौका देके देखें, ये जो छोटे छोटे टैलेंट छुपे हुए हैं वो ढूंढें उनको और उनको सामने लेके आएँ। तो ये मैं कहना चाहूँगी। हरनाज मैम आज अपनी कंट्री का नाम, मतलब अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिवर्स में, ठीक है, और ये टाइटल का, यानी कि इस भारत को इस टाइटल का इंतज़ार 21 इयर्स के बाद उनको ये टाइटल मिला है, और आज की डेट में भारत से जो निकली हुई तीन मिस यूनिवर्स हैं जो कि भारत से ताल्लुक़ रखती हैं, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, यानी कि भारत जो है वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है हर फील्ड में। हम देखते हैं भारत आगे जा रहा है, यानी कि भारत की वुमेन जो हैं वो बहुत ज़्यादा लीड रोल प्ले कर रही हैं, चाहे वो जो मर्जी ऑर्गेनाइजेशन पे हम देखते हैं। अगर हम हरनाज संधु की बात करें तो उनका ताल्लुक एक छोटे से विलेज से, इंडिया के छोटे से विलेज से है, और आज जिस तरह भारत जो है वो मतलब ना सिर्फ टैलेंट को निकालता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इस हवाले सारे सिनेरियो को देखते हुए आप क्या कहेंगे? आई थिंक मेरा ख्याल है वुमन्स को ये राइट्स देने चाहिए, उनको भी जीने का प्रॉपर हक है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लड़कों को है, वो अपनी वुमन्स को जो हैं वो बहुत राइट्स देते हैं, तो पाकिस्तान को भी देना चाहिए। हर फील्ड में लड़कियों को आगे होना चाहिए और पॉजिटिव रह के आगे होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हम किसी भी इंसान को उसकी फील्ड से जज करें, और बहुत सारी फील्ड, मेरा ख्याल है हर लोग इंसानों को जज करने लग जाते हैं फील्ड से, फील्ड से कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, और हर वुमन को ये राइट होना चाहिए। यानी कि इंडिया में वुमेंस को उनके राइट दिए जाते हैं, दैट्स व्हाई इस तरह के टैलेंट सामने आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है।
ऐसा ही ठीक हो गया। मतलब हम अप्रिशिएट करते हैं आज, मतलब हम वो होता है ना कि हमारे वो नेबर कंट्री है और हमको कंपिटेटर के तौर पे यानी कि अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन आज हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो आप भी अप्रिशिएट करना चाहें। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर करना चाहूँगी। कंट्रीज़ के इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। कुछ जगहों पर पाकिस्तान बहुत अच्छा है, कुछ जगह पर इंडिया बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल, जहाँ कोई अच्छा है उसको अहमियत देनी चाहिए। अब पाकिस्तान की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है या पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है। नो डाउट उनकी फिल्म इंडस्ट्री, उनकी मीडिया इंडस्ट्री जो है वो हमारे से बहुत आगे, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि वो हमारे से आगे हैं। जिस तरह उन्होंने हरनाज संधु को प्रमोट किया है, और वो जितनी मैं जब उनकी वीडियो देख रही थी, जब उनको ये अवार्ड दिया जा रहा था, और साफ नज़र आ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं अपने मुल्क को लेकर, और वो जितनी एक्साइटेड थी इस अवार्ड को लेकर। सो ये हर कंट्री के लिए प्राउड मोमेंट होता है जब कोई अपनी कंट्री का नाम रोशन करता है। अब देखिए, अगर हमारे कुछ अच्छे प्लेयर हैं जिन्होंने क्रिकेट टीम में बहुत अच्छा खेला है, वो हमारे लिए प्राउड है ना, हमारे लिए, इसी तरह उनके लिए वो चीज़ प्राउड है। तो इंडिया पाकिस्तान का इख्तलाफ अपनी जगह, बट जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, और हमें भी उनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल, उनको भी हमसे सीखना चाहिए और हमें भी उनसे सीखना चाहिए। उनका हमसे क्या सीखना चाहिए? बहुत कुछ। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, पाकिस्तान की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो किसी एक बात पे तो नहीं हम कह सकते, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा निखार पॉलिश करते हैं। डेफिनेटली वी कैन से डेट वी कैन मस्ट अप्रिशिएट इंडिया, कि वो अपने टैलेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उसकी कॉन्फिडेंट, इससे उनका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है, जैसे कि ये चीज़ हमारे मुल्क में इतनी नहीं होती। अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा उसको कॉन्फिडेंट में लाएंगे, उसको आप पॉलिश करेंगे, उसको ग्रूम्ड करेंगे, तो डेफिनेटली ये हमारे और पूरी दुनिया के लिए बेनिफिट होगा, और नॉट फॉर ओनली इंडिया, दिस विल ऑल्सो बेनिफिट दी होल world, and it's a big achievement for all of us, definitely. ठीक हो गया। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमें भी पाकिस्तान में इस तरह का कल्चर लेकर आना चाहिए। यहाँ पर भी फैशन शोज और इस तरह के ये जैसे अभी ये हो रहा इंडिया में हुआ मिस यूनिवर्स का, इस तरह यहाँ भी होना चाहिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। Exactly. इंशाल्लाह फिर मैं भी आऊँगी उसमें। थैंक यू। कुछ भी है, लेकिन हम लोग अपनी गवर्नमेंट को, अब अपने मुल्क को भी बुरा नहीं कह सकते। हम लोग बस ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग भी जो हमारी गवर्नमेंट है, जो लोग हैं, वो छोटे छोटे टैलेंट्स को ढूंढें और उनको प्रमोट करें, उनको चांस दें, ताकि हमारा मुल्क भी जो है वो भी आगे आए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? यही कि मतलब चांस मिलना चाहिए हमें भी और आगे बढ़ने के लिए। मेरे ख्याल से तो हम भी बहुत कुछ करके दिखाएंगे, भारत के मुकाबले में आएंगे हम लोग, जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप आगे आए, जरा आगे आए सर, बात सुने, इधर आए। आप मुझे ये बताएं कि आपने ये कैचर लगाया हुआ था, ये किस खुशी में आपने कैचर लगाया था? कहीं आपने मिस यूनिवर्स बनने की खुशी में तो नहीं, तब से ये खबर सुन के आपने ये कैचर? मैंने जब से ये खबर सुनी है, तब से मैंने ये कैचर लगा लिया था। कि एक मिनट लगाएं जरा, इधर आगे 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 आए, इधर आगे आए। यानी कि आपने जब से ये खबर सुनी है कि मिस यूनिवर्स जो है वो इंडिया की एक लड़की बनी है, तब से आपने कैचर लगा लिया? यस yes. और मुझे प्रमोट करो भाई, वो हिसाब तो नहीं हो? बिल्कुल, ये हिसाब हुआ है कि मुझे भी करें यहाँ प्रमोट, मैं भी मिस यूनिवर्स बनना चाह रहा हूँ। सही हो गया। यानी कि आप मिस यूनिवर्स बनना चाह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है भाई। मैम, एक आखिरी सवाल, वही हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान आज की डेट में बहुत ज़्यादा मतलब हम देखते हैं मिस पाकिस्तान मतलब रेयर होता है कि नहीं बनती, ठीक है, हम उस तरह उनको प्रमोट नहीं करते, तो आप इसके पीछे की क्या वजह समझते हैं? हाँ, प्रमोट नहीं करते, इसकी वजह यह है कि हमारी सोसाइटी में अभी भी ये देखा जाता है कि शायद लड़की लड़के से कम है, और अभी भी ये कहा जाता है कि लड़कियों को ये राइट्स नहीं है, वो कुछ भी कर सकें, जबकि ये गलत बात है। मुझे लगता है अब तो आप देखें हर फील्ड में लड़के हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, माशाल्लाह, तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ चेंज हो रहा है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में पाकिस्तान जो है वो और आगे जाएगा। मैं देखिए, मैं ऐसे देखती हूँ, यहाँ पाकिस्तान में ये होता है कि लड़कियों को लड़कों के मुताबिक नहीं समझा जाता, दे से दैट कि लड़कियाँ यू नो जस्ट शादी कर लेनी चाहिए और वो कुछ नहीं कर सकती, जबकि हम देख सकते हैं कि राइट नाउ इन पाकिस्तान लड़कियाँ ही सबसे ज़्यादा इस वक्त तरक्की कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो अगर आप लड़कियों को अप्रिशिएट करेंगे, उनके कॉन्फिडेंट को अप्रिशिएट करेंगे, तो डेफिनेटली कि ये हमारे मुल्क के लिए बिग अचीवमेंट होगी। और आई थिंक इसकी मेन वजह ये कि करप्शन
पर्ची सिस्टम, तो पाकिस्तान में सबसे पहले करप्शन खत्म होनी चाहिए, पर्ची सिस्टम खत्म होना चाहिए और लड़कियों को हेरेसमेंट जो करते हैं लोग, अगर आप कहीं भी मीडिया में जाए तो हेरेसमेंट बहुत होती है, उस चीज़ को स्टॉप करना चाहिए। जब वो चीज़ स्टॉप होगी तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव वाइब आएगा गर्ल्स के लिए और वो इस चीज़ में मूव ऑन होंगी। और फैमिलीज़ को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा ग्रूम्ड हो अपनी ये पुरानी सोच को हटाएं और थोड़ा सा मॉडर्न एरा की तरफ कंटिन्यू करें अपनी सोच को। जिस तरह भारत अपनी मतलब यंग यूथ को प्रमोट कर रहा है और मतलब निखार रहा है उनकी पर्सनालिटी को और जिस तरह ग्रूम कर रहा है, हम आए दिन देखते हैं कि नई नई फील्ड मतलब फील्ड्स में मतलब हम भारत की किसी वुमेन को देखते हैं जो कि काम कर रही हैं और बड़ा अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, ठीक है। तो भारत आज की डेट में इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, आप इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहें? डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि वो एक बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमें भी चाहिए कि हम उस चीज़ को एज अ इंस्पिरेशन लें और उस चीज़ को हम अपने मुल्क में भी डेवलप करें। आई थिंक हमें भारत से सीखना चाहिए, वी हैव मस्ट लर्न फ्रॉम इंडिया। हमें खाली ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे टर्म्स अच्छे नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, बट वी ऑल्सो नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इंडिया। डेफिनेटली वाई दे आर सो सक्सेसफुल राइट नाउ, डिड यू एवर इमेजिन हम वो क्यों इतने सक्सेसफुल हैं, हम लोग क्यों नहीं हैं, इसकी क्या वजह है, हम लोग क्यों हर चीज़ में पीछे हैं? इसकी वजह ये कि हमारा जो मेंटल सिस्टम है, जो हमारी साइकोलॉजी है, हम उस चीज़ में पीछे रह गए हैं। जी जी, हम बहुत पीछे रह गए हैं, हमारी सोच ही नहीं आगे बढ़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी सोच को पॉजिटिव करना है, नेगेटिविटी हटानी है, जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं वो ख़त्म होने चाहिए मुल्क में और जो हरेसमेंट करते हैं वुमेंस को, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हमें फोकस करना चाहिए ताकि हम अपने मुल्क को तरक्की की तरफ देख सकें। डेफिनेटली अगर हम कुछ अच्छा चाहते हैं तो हमें अच्छा करना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बैठे बैठे कुछ अच्छा मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए जिस तरह उन्होंने एम्पावरमेंट के हवाले से बड़ा काम किया, मैम आप क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? इंडिया इज़ डूइंग वेरी गुड और हमें भी यहाँ पे करना चाहिए, जिस तरह मेरी फ्रेंड फरीन बता रही है, हमें भी यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, यहाँ पे कॉलेजेस स्टार्ट करने चाहिए, फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज होने चाहिए, फील्ड को अवेयरनेस होनी चाहिए इस फील्ड के बारे में, ना सबको अवेयरनेस होनी चाहिए, तो ये हमें बहुत अभी काम करने की ज़रूरत है। इंडिया इज़ डूइंग वेरी वेरी गुड राइट नाउ। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही दोगे, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम।